दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले Realme की C3 मोबाइल की और जानेंगे कि क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है मेन और क्या इसकी प्राइस है और इंडिया में जो आज से ये 2 या 3 महीने पहले आ चुका था। और यदि हम इसके मेन स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें 5000 mAh की आपको मैसिव बैटरी मिल जाएगी, Helio G70 प्रोसेसर मिल जाएगा, 6.5 inches का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन और AI ड्यूल कैमरा मिल जाएगा, यानी कि 2 कैमरे इसमें 12 और 2 MP का, फ्रंट कैमरा इसका 5 MP का है। इंडिया में यदि इसकी प्राइस देखें हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो 7999 रुपये है। और यदि कुछ इसमें देखा जाए कि इसके अंदर क्या है हैंडसेट में, तो एक हैंडसेट है, एक चार्जर है, एक USB डाटा केबल है, एक सिम एडजेक्टर टूल है और एक सेफ्टी गाइड है और एक क्यू गाइड है। और यहाँ पर लिखा है इसमें, आपको नीचे देखेंगे आप तो इसमें मेड इन इंडिया लिखा है, बाकी यही Realme C3 और यही इसकी ब्रांडिंग दी हुई है, नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन हमारा कैसा है और किस तरह की हमें परफॉर्मेंस देता है। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये हमने इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं हमारा फ़ोन जो है दिखने में कैसा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा है वेलकम टू Realme फैमिली, क्योंकि हमने Realme का मोबाइल खरीदा तो ये हमें वेलकम करने को बोल रहा है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर एक आपको सिम एडजेक्टर टूल मिल जाएगा, इसके नीचे रखा हुआ जिससे आप सिम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये यूज़र गाइड वगैरह है और कुछ भी इसमें केस वगैरह अभी नहीं है, तो इसको हम रख देते हैं अलग। और अब हमारा देखते हैं हम फ़ोन जो कि दिखने में कुछ इस तरह का है। देखिए इसके ऊपर एक पॉलीथीन है नॉर्मल सी और साथ में यदि इसका कलर देखें तो हमने ये कलर लिया है फ्रोजन ब्लू, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। उसके पहले देखते हैं इसके साथ और हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यदि देखा जाए तो इसमें आपको एक केबल मिल जाएगी जो कि माइक्रो USB टाइप बी इसमें दिया हुआ है और साथ में आपको एक Realme का चार्जर दिया हुआ है। यदि देखें तो ये चार्जर आपका 2 ampere का है, यानी कि आपको 1.5 ampere से तो ये ज़्यादा ही स्पीड में आपको मोबाइल चार्ज कर देगा, लेकिन फास्ट चार्जर नहीं है, यही इसमें दिया हुआ है और बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की, तो इसका जो लुक है वो हम देखते हैं कैसा दिखता है फ़ोन। तो ये रहा आपका फ़ोन, इसमें यदि हम सामने देखेंगे तो इस पर स्क्रीन पर एक पॉलीमर टाइप का एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है आपका, ये ग्लास वाला नहीं है। और ये जो लुक यहाँ से आता है सनराइज़ जैसा, तो ये इसको फ्रोजन ब्लू कलर है। और यहाँ पर ये आपको ड्यूल कैमरा मिलता है, 12 MP का मेन कैमरा है और साथ में आपका 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। यहाँ पर आपका नॉइज़ ड्रॉप नॉइज़ डिस्प्ले दी हुई है मोबाइल की। तो इसमें थोड़ी बहुत बैटरी होगी तो हम इसको देख लेते हैं। साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक सिम ट्रे है, यहाँ पर वॉल्यूम लॉकर है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच का बटन है। नीचे यदि हम देखेंगे तो आपको माइक्रो USB टाइप बी चार्ज पोर्ट मिल जाएगा, माइक मिल जाएगा और साथ में स्पीकर मिल जाएगी और 3.5 mm का ऑडियो जैक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर Realme की ब्रांडिंग है, बस इतना ही कुछ है, ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं है IR वगैरह। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, थोड़ी शायद इसमें बैटरी दी हुई होगी। चलिए फ़ोन बूट हो रहा है, हम जल्दी से फटाफट इसका सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा हुआ है। फेस अनलॉक का इसमें सिस्टम है, वो कर लेता हूँ। फेस अनलॉक भी बड़ा फास्ट ले लिया इसने, ऑन कर लेते हैं हम इसको। ये रहा आपका Realme का UI और ये अब हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है और कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। काफ़ी शानदार लुक आ रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है, स्मूथ टच काम कर रहा है इसका। जो कलर ब्राइटनेस है वो बाकी फ़ोन की तुलना में आपको थोड़े से कम लगेंगे इसके, क्योंकि मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि जो मैं अभी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ओनर का, उसकी तुलना में इसके कलर जो है कंट्रास्ट वो थोड़ा कम है। और यदि हम सेटिंग में जाकर देखते हैं अबाउट फ़ोन में, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका स्टोरेज कितना है, जैसा कि 3 और 32 GB का वेरिएंट है, तो हम अबाउट फ़ोन में जाकर देखते हैं। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 मिल जाएगा, Realme C3 है, उसमें रैम आपका जो है 3 GB का है, प्रोसेसर G70 जैसा कि आपका पैकेट पर लिखा हुआ था ऊपर। और यहाँ पर आपको 32 GB जो है स्टोरेज, उसमें से आप 19.7 GB जो है अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। यहाँ पर अभी आपका ये नो सिम यानी कोई सिम इसमें लगा नहीं हुआ है और ये इसका मॉडल नंबर है, तो यही है, इसमें परफॉर्मेंस है। साथ में हम इसकी कुछ फ़ोटो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं जो कि आपको दिख रही होगी, जो फ्रंट कैमरे की है और कुछ बैक कैमरे की है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसकी फ़ोटो आ रही है वो काफ़ी अच्छी है और फ्रंट कैमरे के 5 MP की यदि हम बात करें तो वो काफ़ी हद तक अच्छा है ब्यूटी इफेक्ट के साथ में भी। और यदि हम बात करें इस फ़ोन के बारे में, तो यहाँ पर आपको इसमें एक सेंसर नहीं मिलता है, जिसकि फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। इमीडिएटली जो है आपका फेस जो है डिटेक्ट
कर लेता है और तुरंत आपका फ़ोन ओपन हो जाता है। तो यही था इस फ़ोन के बारे में। और कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है, यहाँ पर स्पीकर छोटा सा ऊपर दिया हुआ नोच में जो कि लगभग नज़र नहीं आता है। और यही सब जानकारी थी इस फ़ोन के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कोई क्वेरी इस फ़ोन से रिलेटेड आपकी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। फिर अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में, यानी कि 7999 में कमीशन या डिस्काउंट करके यदि आप देखे जाए तो ये फ़ोन आपको 7500 रुपये का आराम से मिल जाएगा। यानी स्टार्टिंग प्राइस इसकी 6999 थी, लेकिन अभी इसकी 7999 हो गई है। मैंने इसको 7499 में परचेस किया है। कुछ इसमें इनबिल्ट ऐप है, और यही सब कुछ इस फ़ोन के बारे में थी जानकारी दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।